हैं ड्यूएट ब्लॉग्स। तो आपको आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस बेसिक पे होने वाला है। तो आज मैं ट्रैवल ब्लॉग नहीं, आज मैं फूड ब्लॉग करने वाला हूँ। तो आज हमारा डेस्टिनेशन होगा मानकुंडू टू श्रीरामपुर। तो मैंने सुना है कि श्रीरामपुर में एक नया बिरयानी का दुकान खुला है स्टेशन पे, कि 30 रुपये में चिकन चाप फ्री और बिरयानी। देखते हैं कि ये बात कितना सच और कितना झूठ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। तो चलिए मिलते हैं अब डायरेक्ट स्टेशन पे। तो फिलहाल अभी मैं हूँ मानकुंडू स्टेशन में। तो आज मेरे साथ जा रहे हैं, हाय करो विक्की ब्रो, आज हमारे साथ जा रहे हैं। तो अभी ट्रेन आ रहा है, ट्रेन पे चढ़ के अभी हमको जाना है श्रीरामपुर। तो वहाँ जाके अब डायरेक्ट वीडियो शूट होगा। श्रीरामपुर स्टेशन, और हमको जो शॉप पे आना था तो वो शॉप है 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म के ठीक बीचों बीच, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब जाएंगे और जाके देखते हैं कि क्या क्वांटिटी, कैसा क्या प्राइस, सही में 30 रुपये में चिकन चाप और चिकन बिरयानी दोनों एक साथ मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। दुकान अभी दुकान पे है नहीं, तो आपको दिखाते हैं कैसा क्या है। चलिए का बिरयानी क्वांटिटी 30 रुपये में आपको इससे अच्छा तो मिलेगा नहीं। और चिकन चाप का जो चिकन है उसका भी साइज सही है, इससे बड़ा आपको मिलेगा नहीं। ये पूरा फ्री है, चिकन चाप बिरयानी के साथ पूरा फ्री है। तो अभी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। ये है फर्स्ट बाइट। चावल सही है, आलू का साइज आपको दिखाता हूँ। ये है छोटा सा एक आलू, खीरा, प्याज, दिस इज चिकन। दिखा के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है विथ आलू।
स्वाद सही है। अब आलू, प्याज और खीरा एक साथ डुएट चाहिए। स्वास्थ्य ये 30 रुपये में इससे अच्छा मिल रहा इम्पॉसिबल। चिकन देखते हैं। चिकन भी पूरा ठीक है, अंदर से सीझा भी है, चिकन मस्त है और चावल भी पूरा ठीक ठाक है। फ्राइड राइस के साथ चिली चिकन ले लिया हूँ, अभी टेस्ट करूँगा, देखते हैं कैसा है। बिरयानी तो सही था, अभी ये खा के देखता हूँ कैसा है। चलिए देखते हैं ट्राई करके। ये वाइट है, बिरयानी से फ्राइड राइस और चिली चिकन ज़्यादा टेस्टी है। ये है एक चिली चिकन का साइज, क्वांटिटी देख सकते हैं, 30 रुपये में इससे बेहतर नहीं मिल सकता। स्वाद अच्छा है, ग्रेवी भी अच्छी है। चलिए आके मिलता हूँ। हमने अपना खाना कंप्लीट कर चुका है, लेकिन बिरयानी से अच्छा मुझे फ्राइड राइस और चिली चिकन लगा, क्योंकि बिरयानी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी था बिरयानी, इसलिए बिरयानी उतना ख़ास तो लगा नहीं, बट चिली चिकन सही था। और चिली चिकन का जो कोटिंग था वो ज़्यादा मोटा था, अंदर में चिकन छोटा सा था, और फ्राइड राइस का भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो खाना अच्छा है, और आप भीड़ देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है आज स्टेशन पे, और वो अपना ट्रेन आ रहा है। तो अभी हम चलेंगे, यहाँ का और एक चीज़ फेमस है, श्री भूमि कुल्फी, और देखते हैं कहाँ है वो खाना है, क्योंकि बहुत गर्म है अभी। क्या ख्याल है भाई को, बहुत गर्मी लग रहा है भाई, बिल्कुल नहीं ऐसे छाता लेके चलते रह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री भूमि कुल्फी के पास। मेरा पीछे है श्री दुर्गा मिष्ठान्न भंडार शीतल कुल्फी, तो यहीं से अभी अपन कुल्फी खाएंगे, अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करेंगे, उसके बाद घर की ओर चलेंगे। आपको कुल्फी लेकर दिखाते हैं, यहाँ का कुल्फी बहुत फेमस है श्रीरामपुर का, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इसका कुल्फी, और देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। भाई अभी फ़ोन करने में बिजी है, नहीं क्या पता किससे बात कर रहे हैं। आप भाई अभी खाएँगे, खा के देखेंगे कैसा लग रहा है, तो खा के आपको रिव्यू देता हूँ।
दोस्तों मैं कुल्फी ले लिया हूँ, तो अभी ये टेस्ट करके देखेंगे कैसा लग रहा है, जितना नाम है उतना काम है कि नहीं, देखते हैं। ऑसम, कुल्फी का ऑसम टेस्ट है, मतलब ऊपर से जो फालूदा दिया हुआ है मस्त, एक घर कुल्फी खाने में है। तो कुल्फी खाने के बाद थोड़ा अपना अंदर आत्मा जो है संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि वो बिरयानी और फ्राइड राइस का मुंह का स्वाद ही चेंज हो गया था। कुल्फी मस्त था, कुल्फी आप ट्राई कर सकते हैं, श्री दुर्गा मेरे सामने है अभी, तो कुल्फी आप ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी इंटरेस्टिंग कोई ब्लॉग्स के साथ, तो अभी बाय।